नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एच क्लैश यूट्यूब चैनल में। सो आज हमारा डे 20 है लीटकोड चैलेंज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। जैसे मैं आ गया हूँ मेरी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे अ लकी इंटीजर इज एन इंटीजर दैट हैज फ्रिक्वेंसी इन द एरे इक्वल्स टू इट्स वैल्यू। तो बेसिकली क्या करना है हमें, रिटर्न द लार्जेस्ट लकी इंटीजर इन द एरे, इफ देयर इज नो लकी इंटीजर रिटर्न माइनस वन। क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, देखते हैं क्या है। 2, 2, 3, 4 हमें बेसिकली एरे की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है एरे के एंड में। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, और 4 आ रहा है हमारा 1 बार, ठीक है। तो लकी इंटीजर वो इंटीजर होता है जिसका एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी बराबर हो, जैसे 2 और 2 की। तो इसका आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। इसमें है 1, 2, 2, 3, 3, 3। अब अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी बनाऊँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, एंड 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, 1 की 1 बार है, 2 की 2 बार है, 3 की 3 बार, मतलब तीनों लकी इंटीजर है। इस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम करना है। अब इस केस की बात करते हैं, 222 2 2 2 एंड 3 3। इस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 3 बार आ रहा है एंड 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में कोई भी लकी इंटीजर नहीं है, तो इस केस में हमें रिटर्न क्या करना है, -1, ठीक है, -1 रिटर्न करना है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा समझते हैं। व्हाइट बोर्ड पे चल के, व्हाइट बोर्ड पे आ गए। जब भी हमें आरे के अंदर ना फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तब सबसे पहले आपको माइंड में ये चीज लानी चाहिए कि हमें हैश मैप का यूज कर लेना चाहिए, हैश मैप का यूज कर लेना चाहिए। हैश मैप का यूज क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि हैश मैप क्या होता है, जैसे कि ये डेटा स्ट्रक्चर है अपना, एक डेटा स्ट्रक्चर है हैश मैप, जो क्या करता है की और वैल्यू के पेयर में चीज़ों को स्टोर करता है। की यहाँ पर होती है, एक हमारी वैल्यू, की जो होती है वो हमेशा यूनिक रहती है, की जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। सो आप लोगों को पता होगा कि हैश मैप क्या होता है, की हमेशा यूनिक होती है। तो लेट्स से हमारे पास जो एरे होगा उसमें हम कैसे स्टोर करेंगे, जैसे 1 1 हमारे पास 2 2 2 एंड 3 3 3। अगर मैं इसके अंदर सारी की सारी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर दूँ, की में 1 आएगा वैल्यू में, अभी 2 आ जाएगा, 2 में 3 एंड 3 की फ्रिक्वेंसी 3, तो मुझे पता लग जाएगा कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रैवल करूँगा कीज़ में, और देखता रहूँगा की और वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे कुछ स्टोर करना है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं कोड पे और स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पहले तो मैं रद्द कर देता हूँ उसको पूरा, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे ये काम करना है, तो सबसे पहले तो मैं हैश मैप बना दूंगा अपना, हैश मैप ऑफ टाइप। अब हमारे की पहला टाइप होता है और वैल्यू दूसरा टाइप होता है, तो दोनों ही मेरे इस केस में क्या है, इंटीजर। मैंने हैश मैप का नाम रखा है HM इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो मैंने कुछ इस तरीके से हैश मैप बना लिया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली एरे जितने भी एरे में एलिमेंट है उन सबको स्टोर कराना है कहाँ पर, हैश मैप के अंदर, ठीक है। कैसे कराते हैं वो देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, एरे के ऊपर लूप चला रहा हूँ मैं, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। जितने दिन हो गए चैलेंज करते हुए, पहली बार ARR इनपुट दिया है हमारे लीटकोड ने, कि नहीं तो नाम नाम से ऐसे ही देता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट निकाला, इंट एलिमेंट, एलिमेंट हो गया एरे ऑफ आई, एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब हमें ना चेक करना होता है कहीं पहले से तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी बस, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, इफ HM डॉट कंटेंस की अगर एलिमेंट है और ये देगा ट्रू, अगर पहले से हैश मैप में प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू देगा। अगर HM में एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, HM डॉट पुट, उसमें पुट करो एलिमेंट, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर देंगे। पुरानी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, HM डॉट गेट एलिमेंट, पुरानी फ्रीक्वेंसी निकली HM डॉट गेट एलिमेंट +1 कर देगा उसमें, ठीक है। इनकेस अगर ये फॉल्स आता तो हमें क्या करना पड़ता, हैश मैप में पुट करना पड़ता। तो हैश मैप में पुट करने के लिए HM डॉट पुट होता है, एलिमेंट पुट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी 1, क्योंकि पहली बार आया तो पुट कर, बिल्कुल सही लगा। अब क्या करना है, बेसिकली हमें जो हैश मैप के अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हो, जो लकी सबसे मैक्सिमम लकी इंटीजर हो, उसको हमें करना है आंसर में। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। तो आंसर में पहले मैं -1 रखता हूँ, ठीक है, ताकि अगर वो कभी भी मेरा आंसर अपडेट नहीं हुआ तो -1 अपने आप रिटर्न हो। फिर मैं हैश मैप में इटरेट करूँ, हैश मैप में इटरेट करने के लिए आपको चाहिए होता है इंट की लगाया मैंने, और उसमें आइट्रेट करने का तरीका होता है HM डॉट की सेट, हमारे पास सारी कीज आ जाए, ठीक है।
बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अगर हमने इस स्टेप से क्या करा होगा बेसिकली, अगर मैं सैले आ की बात करूँ, इसमें क्या बना होगा हमारा, यहाँ पर सारी की होगी, यहाँ पर वैल्यूज होगी, तो टू आ जाएगा यहाँ पर, टू के आगे टू, थ्री के आगे वन, और फोर के आगे भी वन, ठीक है, फोर के आगे भी वन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा की सेट से, क्या होगा ये सारी की सारी कीज एक एक करके अब की में आने लगते हैं इस वाले फंक्शन से, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को इतना पता होगा, फिर भी मैंने एक बार थोड़ा सा बताने का आपको ट्राई कर लिया। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हैश मैप। अब हैश मैप डालने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं चेक करूँ इफ जो एच एम डॉट की है, एच एम डॉट गेट की, गेट की अगर वो की किसके इक्वल है, इक्वल है की के, तो ये क्या है, एक लकी इंटीजर है, ठीक, लकी इंटीजर है, तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम स्टोर करना है किसके अंदर, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा की, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपडेट हो जाएगा मेरे की में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया, रिटर्न कर दूंगा मैं आंसर, ठीक है। अभी रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ऐसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही चल रहा है, तो सबमिट भी करके देख लेते हैं, फिर इसका रन करेंगे आराम से। तो चल भी गया, सबमिट भी हो गया। अब क्या करते हैं, एक बार हम बना लेते हैं इसका ड्राइविंग कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ये बड़ा कर लिया यहाँ पर। और अब करते हैं ड्राइविंग स्टार्ट, ठीक है। तो ड्राइविंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एलिमेंट ले लेते हैं वन टू टू थ्री फोर सिक्स थ्री फाइव, ठीक है, ताकि किसी का ऐसा ना लगे कि ये थॉटेड आ रहे, ठीक है। सबसे पहले हमने हैश मैप क्रिएट करा, तो मैं इस तरीके से डोनेट कर देता हूँ हैश मैप को अंदर, तो बहुत अलग तरीके से स्टोर होता है, यहाँ पर की स्टोर होगी मेरी, यहाँ पर वैल्यू स्टोर, इंडेक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट निकला वन, अब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स है, एम डॉट पुट एलिमेंट के आगे वन प्रिंट, वन के आगे वन, अब आया टू, अब टू प्रेजेंट है नहीं है तो इसके आगे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, की में टू आ जाएगा वन, ठीक है। उसके बाद टू, क्या टू प्रेजेंट है, टू पहले से की में प्रेजेंट है, ये चेक करता है कंटेन्स की ये है कि नहीं है, तो क्या होगा एलिमेंट टू तो प्रिंट हो गई, टू तो पुट हो गई, उसके आगे पुरानी फ्रिक्वेंसी एच एम डॉट गेट एलिमेंट से क्या आता है, पुरानी फ्रिक्वेंसी वन आई प्लस वन, यहाँ पर वन हटकर अब क्या हो जाएगा, वन हटकर यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एलिमेंट आया थ्री, अब थ्री कंटेंट में है नहीं तो नीचे जाएगा थ्री कॉमन वन हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा फोर, फोर भी कंटेंट्स में नहीं है तो किसमें चला जाएगा फोर कॉमन, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आने वाला है वो है सिक्स, तो मैंने सिक्स को देखा, सिक्स भी प्रेजेंट पहले से नहीं है तो सिक्स कॉमन वन प्रेजेंट आएगा, उसके बाद सिक्स के बाद कौन सा आया थ्री आ गया, फिर से थ्री के थ्री प्रेजेंट है पहले से तो थ्री, थ्री के बाद थ्री में क्या अपडेट कर दो, थ्री को अपडेट कर दो, ऐसे पुरानी फ्रिक्वेंसी में वन यहाँ पर वन, तो इस तरीके से मेरा हैश मैप तो बन गया। अब आंसर में माइनस वन स्टोर है, तो क्या हुआ एच एम डॉट की सेट, अब ये सारी की सारी की एक एक करके आए, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है वैसे हैश मैप का, अगर आप पढ़ो तो अच्छे से तो पता लगेगा ऑर्डर चेंज हो जाता है, बट हम इसी ऑर्डर में बना रखा था इसमें देखते हैं। ये आया वन, क्या वन वन के इक्वल है, वन फ्रिक्वेंसी निकली ना वन के इक्वल नहीं है, है तो क्या होगा आंसर में आके स्टोर हो गया जो बड़ा है, माइनस वन और वन में से क्या बड़ा, तो वन आंसर में हो गया वन, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा, नेक्स्ट आया हमारा टू, एच एम डॉट गेट की के टू, टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू टू होता है, होता है, तो फिर आंसर में वन बड़ा है, वन और टू में से मैक्सिमम क्या है टू, आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा टू हो जाएगा स्टोर, ठीक है। इसके बाद दोबारा से थ्री आया, एच एम डॉट गेट की थ्री, थ्री में क्या है टू फ्रिक्वेंसी है, टू एलिमेंट है थ्री, इक्वल नहीं होता आगे बढ़ जाएगा रेट ही नहीं होने देगा। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा फोर, एच एम फोर फ्रिक्वेंसी वन और की फोर, फोर इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा सिक्स, सिक्स सॉरी वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू सिक्स होता है नहीं होता, फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये भी फिर से आगे बढ़ जाएगा और हमारा रिटर्न आंसर हो जाएगा, आंसर की वैल्यू टू है और यहाँ पर हमारा लकी इंटीजर भी टू था क्योंकि टू दो बार आ रहा है। तो आई होप सो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है, मैंने भेज दिया यहाँ पर। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।